सांप के डंक से भी ज्यादा जहरीला है इस पौधे का बीज। कनेर का बीज बेहद जहरीला होता है, जिसे खाने से पल भर में किसी की भी मौत हो सकती है। इसके बीज से लेकर इसके पत्ते और जड़, सभी चीजें मनुष्य के लिए घातक होती है। नमस्कार दोस्तों, लव नेचर में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो फल आप देख रहे हो, यह फल इतना जहरीला होता है कि किसी का जान ले सकता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पेड़, इसके छाल और जड़ सभी बहुत जहरीले होते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन सा पेड़ होता है और इस पेड़ के बहुत सारे औषधीय उपयोग भी होता है। बहुत सारे रोगों को ठीक करने में यह पेड़ काफी सक्षम माना जाता है। किस किस बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, यह जानने से पहले हम लोग इस पेड़ की पहचान को जानेंगे। इसका नाम कनेर है। कनेर के पौधे बड़े ही आराम से बाग बगीचे या मंदिरों के आसपास उगे मिल जाते हैं। इस पौधे पर 5 से 6 इंच लंबी फलियां और फूल आते हैं। कनेर के पौधे लगभग फूल, जड़, पत्ते सभी चीजें बहुत ही जहरीली होती है। यह सफेद, लाल, गुलाबी और पीले रंग की जातियों में पाई जाती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग कई सारी बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है, परंतु यह इतना जहरीला होता है कि किसी की भी जान ले सकती है। इसीलिए किसी भी रोग का निवारण के लिए अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। कनेर का वृक्ष बारहमासी हरा भरा होता है। इसके पत्ते नुकीले व चुभनदार लंबे लंबे होते हैं। इसके पुष्प बहुत ही मनमोहक होते हैं। इसके पुष्प शिवजी को समर्पित होते हैं। कनेर के पुष्प, फल या इसके टहनी को तोड़ने से दूध निकलता है। यह दूध घाव भरने में काफी कारगर माना जाता है। इसके दूध का इस्तेमाल घाव में किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कनेर का उपयोग पारंपरिक रूप से हृदय रोग, दमा रोग, मधुमेह, कर्ण खुजली, कैंसर और मिर्गी के इलाज में किया जाता है। यह घाव को भरने में एक एंटीबैक्टीरियल, एक एंटीमाइक्रोबियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई नई और भी जानकारियाँ मिल सके। किसी भी बीमारी को ठीक करने में कनेर की कितनी मात्रा देनी चाहिए, इसका अभी तक कोई चिकित्सक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस जानलेवा पौधे में पाए जाने वाले कार्डियोटॉक्सिसिटी, हेपोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के कारण विशेष सावधानी का उपयोग किया जाना जरूरी है तथा छोटे छोटे बच्चों को कनेर के पौधे से दूर रखना अति आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी इसी तरह के नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।